हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहल और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कैसे हैंड पे अगर आपको आई शेडो करना है तो आईब्रोज और नोज कैसे बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं गाइडलाइन ले रही हूँ आईब्रो के लिए। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है गाइडलाइन बनाने के लिए। दोनों साइड से आपको पहले गाइडलाइन बना लेना है। तो गाइज, आपके पास अगर आई डमी नहीं है तो आप लोग आई शेडो की प्रैक्टिस ऐसे हैंड पे कर सकते हो। सो ये इजी वे है, हम लोग आईब्रोज और नोज ड्रॉ करके हाथ पे आई शेडो का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक रफ गाइडलाइन आप बना सकते हो बिकॉज बाद में आप उसको करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक रफ गाइडलाइन बना ली है। उसके बाद मैं उसको फिल करते जा रही हूँ, जैसे अपने नॉर्मल आईब्रोज होते हैं वैसे फ्रंट से लाइटली फील कर रही हूँ और लास्ट में थोड़ा सा डार्क फील कर रही हूँ। आपको दोनों साइड सेम तरीके से फील अप करना है। तो गाइज, आपकी जो आईब्रो की लाइन है वो अगर प्रॉपर नहीं आई है तो टेंशन मत लो, क्योंकि बाद में हम लोग इसको कंसीलर के साथ करेक्शन करने वाले हैं। तो वीडियो आगे तक देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं वाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ। सो जो भी करेक्शन हमको यहाँ पे करना है तो हम लोग ये कंसीलर से अभी कर सकते हैं। तो अगर आपकी आईब्रो थोड़ी मोटी हो गई है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गई है तो आप कंसीलर के साथ उसको करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा करेक्शन किया लेफ्ट वाली आईब्रो को। अभी सेम हम लोग राइट साइड के आईब्रो को भी करेंगे। आराम से आपको करेक्शन करना है। थोड़ा थोड़ा कंसीलर लेके मैं करेक्शन कर रही हूँ। उसके बाद नोज के लिए मैं बीच में एक लाइन निकाल रही हूँ ब्रश से ही। अभी हम लोगों ने जो कंसीलर अप्लाई किया है उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना है ताकि वो इवन दिखे। गाइज, आप जब रियल आईब्रोज भी डिफाइन करते हो तो हमेशा कंसीलर का यूज़ करें ताकि आपके आईब्रो प्रॉपरली शेप दिखे, डिफाइंड दिखे। ऊपर से भी मैं सेम फिनिशिंग दे रही हूँ कंसीलर के साथ। अगर आपका आईब्रोज अच्छा दिखेगा तो ही आपका आई मेकअप उठ के दिखेगा। तो मेक श्योर आपका आईब्रो फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। अच्छे से कंसीलर के साथ फिनिशिंग दे रही हूँ मैं, फिर उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि वो पैची पैची नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे आई शेडो भी करना है अभी। तो अच्छे से ब्लेंड करना है उसको। दोनों साइड से अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ऊपर के साइड से भी ब्लेंड कर रही हूँ मैं। और थोड़ा शेपिंग बराबर नहीं था इसलिए फिर वापस मैंने कंसीलर लेके यहाँ पे मैं थोड़ा शेप दे रही हूँ आईब्रोज को।
गाइज, ऐसी इजी इजी टेक्निक और ट्रिक्स सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे मेरी आईब्रो डिफाइन हो चुकी है, अच्छे से फिनिशिंग दे दी है मैंने उसको। अब बारी आती है नोज़ की, तो नोज़ के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन बनाई है बीच में। अब थोड़ा सा नीचे भी मैंने वाइट कंसीलर अप्लाई किया है लाइटली। उसके बाद एक ब्रश के हेल्प से मैंने लाइट ब्राउन कलर का शेड लिया है ताकि हम लोग उसको एक थोड़ा कॉन्टोर कर सके नोज़ को और एक शेप दिखा सके। तो लाइट हैंड से आपको लाइट ब्राउन कलर का एप्लीकेशन करके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैंने एक नोज़ का शेप क्रिएट कर लिया है गाइस। अभी मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, शार्प लाइन नहीं दिखनी चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली नोज कॉन्टोर करते हैं वैसे ही उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे हमारी नोज भी हो गई है रेडी। अब यहाँ पे मैं गाइडलाइन ले रही हूँ ताकि हम लोग आई मेकअप स्टार्ट कर सके। सो आईब्रो के स्टार्ट से और आईब्रो के मिड से मैंने एक गाइडलाइन बना ली है और अभी हम लोग हमारा आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को कमेंट और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज़।